सबसे पहले हम इसकी पावर लगाएंगे। पावर देनी है मेन सप्लाई। अभी एनओ से जो निकलेगी आउट निकलेगी उस पर लगाना है। पावर आपने ऑयल सेपरेटर के हीटर में लगाना है, सॉरी ऑयल स्विच के हीटर में लगाना है, जिससे आपका ऑयल स्विच काम करेगा। अगर ऑयल है नहीं है कंप्रेसर में आपका कंप्रेसर ऑन हो चुका है। अगर आपका ऑयल कम है इसमें नहीं आ रहा तो ये कॉन्टैक्टर आप बंद हो जाएगा। इसको मे बी 20 सेकंड 30 सेकंड लगते हैं। अभी आपका कॉन्टैक्टर बंद हो गया और ये जो सप्लाई जा रही थी हीटर को ये भी आपकी बंद हो चुकी है। अभी आपका हीटर ठंडा हो जाएगा, आप इसको रीसेट करोगे दोबारा से आपका कंप्रेसर ऑन हो सकता है। अभी हम इसको रीसेट करेंगे तो बाद में फिर अभी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये अभी कंप्रेसर ऑन हो चुका है। आपका कुछ भी मसला आएगा ऑयल पंप में या आपके कंप्रेसर में ऑयल नहीं है तो ये ऑयल स्विच आपका कंप्रेसर बंद कर देगा और आपका कंप्रेसर ख़राब होने से बच सकता है। तो इसका काम यही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।